लोग चैंपियन जो है पार्टियां जो है अठोले की और जो है पासवान जी उसमें भी गवर्नमेंट में शामिल है और मिनिस्टर बीजेपी के भी कई मिनिस्टर दलित है, इसके बावजूद भी दलितों को जो जुल्म हो रहा है एट्रोसिटीज हो रही है किस कैटेगरी में रखेंगे आप? डिसाइड भी दलित है। नहीं नहीं देखिए, ये 2 तारीख को जो पूरा सिलसिला देखने को मिला है और जो दमन हुआ जिस तरीके से, और न केवल 2 तारीख को और उसके बाद से लगातार ये दमन की कार्रवाई चल रही है, हम उन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं और ये हमारी समझ बनती है और ये सवाल हम सरकार से करना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र दलितों के लिए नहीं है? क्या ये जो संवैधानिक अधिकार है बाबा साहब ने जो दिए हैं वो दलित उसका उपयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें? हम ये सवाल करना चाहते हैं सरकार से सीधी। अब ये जो बात और राजनीति की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मेरा बहुत हम लोगों का कंसर्न नहीं है। हम ज्यादा चिंतित हैं हमारे अपने अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर और अभी जो दमन हो रहे हैं उनको लेकर। नहीं नहीं मेरा सर सवाल ये है, एक मिनट क्षमा चाहूंगा आपको भी। देखिए सीधी बात है, 2 के बाद की घटना पर हम लोग भीम आर्मी के लोग फोकस करना चाहते हैं। दूसरी चीज राजनीति का ये रहा, वो चाहे तो राष्ट्रपति हो या अदर दलित सांसद, अगर वो इस समय पर समाज का साथ नहीं देंगे तो हम लोग पूरे देश में उनका पुरजोर विरोध करके बहिष्कार करेंगे और उन्हें बताएंगे कि राजनीति किस चीज का नाम है। क्या ये बहिष्कार राजनीतिक भी होगा? बिल्कुल। 18 तारीख को जो आप गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने की बात आपने की है, क्या ये गिरफ्तारियों का सिलसिला देश भर में चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जब सच्चाई की बात नहीं होगी तो गरीब लोग अमन पसंद लोग क्या करेंगे बताएं? 18 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। जितने लोगों पर मुकदमे हैं सबको मैसेज कन्वे कर दिया गया कि 18 तारीख में आप लोग सब लोग दिल्ली आएंगे, दिल्ली से हम लोग गिरफ्तारियां देंगे और फिर मामला शुरू है। जितने लोग चाहते हों गिरफ्तारी के लिए हम तैयार हैं। 2 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, 2 तारीख को जो आंदोलन हो चुके हैं, अब आप 18 तारीख को आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं पार्लियामेंट स्टेट पर, अच्छा मार्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे आंदोलनकारी होंगे आपके साथ, तो क्या आपने पहले से कोई प्रिकॉशन लिया है कि जिस तरीके से पहले एक्टिविटीज हो चुकी है कहीं दंगे में ना कन्वर्ट हो सके, उसके लिए आप कोई प्रिकॉशन लिए कि ऐसा चीज़ फिर से ना हो 18 तारीख को? बिल्कुल। मेरा भी आपसे एक सवाल है कि 2 तारीख में सरकार ने प्रशासन को क्या गाइडलाइन दी गई थी कि क्या करना है? आपने देखा कहीं गाड़ियां खड़ी हुई थी कि जो लोग दंगा करने वाले हैं भीड़ आए तो गाड़ी में भरे और गिरफ्तार करने? आपने देखा कि लोग रेल की पटरियों की ओर जा रहे थे उन्हें रोका जाए? नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार कोई गाइडलाइन तैयार नहीं कर रही है इतने बड़े आंदोलन के लिए भी। चाहती है गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो ये लोग लड़े, वो चाहती है कि अगर सरो रही आत्मसमर्पण की बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोगों का छापने जाकर गिरफ्तारी देना या फिर सामने खुद ऐलान करना कि आप हमें गोली मारो खाने के लिए तैयार है, ये अगर आत्मसमर्पण है तो हम तैयार हैं उसके लिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि 18 तारीख को वहाँ पे अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती है, अप्रिहेंशन में हम लोग क्यों जिए, क्या होती है, हम लोग क्यों करें, हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये तो सारी बातें तय नहीं कर लेंगे ना। 21 मई को भी एक कार्यक्रम हुआ था भीम आर्मी का, समाज के सभी लोगों का, वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब समाज के लोग ज्यादा होंगे तो जो ऐसा करने वाले लोग खुद ही डरेंगे। बात चल रही थी वो भी समाज के लोगों ने, पब्लिक के लोगों ने चिन्हित किया है, आप लोगों ने प्रशासन ने चिन्हित नहीं किया। जैसे एक यूपी का वीडियो आ रहा था, परपोटेडली यूपी का था, कि 2 पुलिस के अफसरान थे वो एक लड़के को जमीन पर बिठा करके ये कह रहे थे कि आपने चाय नहीं बनाई इसलिए हम आपको पीट रहे हैं। लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, सच्चाई क्या है? सच्चाई सुन लीजिए, सच्चाई क्या है कि दलित अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकता है सोसाइटी में, ये सच्चाई यही है। और आपको मालूम है कि जिस दिन 2 तारीख को क्या हुआ था, आरएसएस के एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ले गई और इस भ्रम में कि ये दलित है, और जैसे ही उसको पकड़ा उसको मां बहन की गालियां दी, और उन्होंने खुद मुझे कहा, मैं उस समय एक चैनल में था वहां खुद उन्होंने आके कहा कि कैसा सिस्टम है बताइए, मुझे दलित समझ के पकड़ा, प्रोफेसर है जिनकी खबरें भी आई कि मुझे पकड़ा और मेरी मां मुझे मां बहन की गालियां देने लगे पुलिस वाले,
हमने कहा दलित होने का क्या मतलब होता है इस देश में, ये आज आपको एहसास हुआ होगा कि पकड़ा और कुछ नहीं समझा, वो भी प्रोफेसर के नाम पर, वो भी प्रोफेसर है मेरठ यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको पकड़ा और कुछ नहीं, उनको कोई डर भय नहीं, सीधे मां बहन की गालियां देने लगे। ये सामान्य सी बात है जो भी आपको ये बता रहे थे फरीदाबाद और ये दूसरे इलाके के लोग कि पकड़ा और दलित है तो मां बहन की गालियां तो आप एकदम आराम से दे सकते हैं। सच्चाई है भाई मेरे, इसको तो हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा।